हेलो। हाँ दोस्त, आप लोगों ने शानदार रहे होंगे, मस्त रहे होंगे, जिंदाबाद रहे होंगे, जबरदस्त रहे होंगे। आप लोग एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। एसके ग्रुप का वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज का मोटिवेशनल आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यहाँ पे क्या है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा कुछ ही और है। यहाँ पे क्या है, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, यानी साहिल मतलब मंजिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा कुछ और है। भाई जिद करना सीखो, जो मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे हासिल करना सीखो। खुदा ने जो लिखा है उसे तुम्हें मिटाना है। क्या करना है भाई, मिटाना है। तुम्हें खुद को इतिहास लिखना होगा, तुम्हें खुद को इतिहास लिखना होगा। कोई देवदास नहीं आएगा तुम्हें नौकरी दे देगा, ऐसो जिंदगी जियो। भाई तुम्हें खुद तकदीर बदलनी होगी, तुम्हें खुद मेहनत करना होगा। आप किस हालात में जी रहे हैं, आप किस हालात में जी रहे हैं, ये किसी को नहीं, आप अपने खुद हालात बदलने होंगे। तुम्हें अपने खुद हालात बदलने होंगे। तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना है, तुम्हें उस मंजिल की अकल को तोड़ना है, तुम्हें पड़ोसी की अकल को तोड़ना है। जो उन्होंने कहा था तुमसे ना होगा, जिन्होंने कहा था तुमसे ना होगा। अगर भाई आप लोग बार बार असफल हो रहे हैं, तो भाई उन लोगों को याद करना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। अगर भाई आप लोग बार बार असफल हो रहे हैं, तो उन लोगों को याद करना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। भाई तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें तकदीर को बदलना होगा, तुम्हें तकदीर को बदलना होगा। हमने क्या कहा, जिद करना सीखो, जो मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे हासिल करना सीखो। भाई जो खुदा ने नहीं लिखा है भाई तुम्हें उसे करना होगा। यहाँ पे वही लिखा है ना, किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा की चोर है। यानी जो भाई किस्मत जो खुदा लिखा है तुम्हें उसे खुद मिटाना होगा, तुम्हें खुद अपनी तकदीर बदलनी होगी, तुम्हें खुद अपना इतिहास बदलना होगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल यही कह रहा है कि रूट में पांच है, कितना है रूट में पांच है, फिर प्लस कितना है, रूट में पांच है, फिर प्लस रूट पांच, फिर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसका मतलब कि अभी आगे और संख्या है। यहाँ पे देखिए रूट में पांच है, रूट में पांच इसका खंड नहीं हो रहा है ना। जब जिसका खंड नहीं होगा, यहाँ पे जैसे होता हमने यहाँ पे लिखता छे, क्या लिखा, अगर पांच के स्थान पे होगा हमें ऐसे इसका खंड निकालना है जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक, यानी दो और तीन, यानी दो तीन कितना हो गया छह, और इनके बीच का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे रूट में पांच, रूट में इसका खंड नहीं हो रहा है ना, जब इसका खंड नहीं हो रहा है, जब इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, हमें क्या लगाना है, फार्मूला यही लगाना है भाई, चार ए प्लस वन। क्या लगाना है, चार ए प्लस वन, फिर प्लस वन बटे कितना लगा देना है, दो, जो यही है। इसी का हमें क्या मानना है भाई, ये मानना है। यहाँ पे देखिए चार है, हमने चार उतारा, एक के स्थान में क्या उतारना है, पांच, प्लस है प्लस वन, आप फिर लास्ट में प्लस वन है, दोनों उतारा, नीचे कितना है, दो। अब यहाँ पे देखिए पांच चौक कितना हो गया, बीस, पांच चौक बीस, बीस में एक मिला देंगे कितना हो जाएगा, 21, नीचे कितना है भाई, दो। अब रोड में हमने यहाँ पे क्या उतारा, यहाँ पे रोड में क्या उतारा, 20, 20, यानी कितना, 20 से कितना हो गया, 21 प्लस वन, नीचे कितना है, दो। भाई इसका आंसर यही होगा, रोड में 21 प्लस वन बटे टू। अगर खंड नहीं हो रहा है भाई तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पांच है तो इसी हमें क्या मान लेना है, ए, यानी अगर यहाँ पे छह होता, यानी यहाँ पे सात होता, यह 11 होता, तब क्या मानते, ए। तो यहाँ पे देखिए फार्मूले में यही फार्मूला लगाना है, चार ए प्लस वन बटे टू, फिर प्लस यहाँ पे कितना है वन, यानी चार उतारा, रूट है पहले रूट उतारना है, चार है चार, यहाँ पे ए को कितना माना है, पांच, प्लस है प्लस वन है तो वन, लास्ट में प्लस वन है तो वन, नीचे कितना है, दो, पांच चौक कितना हो गया, बीस, प्लस वन है तो वन,
फिर लास्ट में प्लस वन नीचे कितना है दो, 20 में मिला दिया कितना आ गया 21, रूट में 21 फिर प्लस वन नीचे कितना है दो, भाई ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला भाई, आप लोग को पूरा ट्रिकी पढ़ाएंगे, आप लोग एसके ग्रुप के साथ जुड़ना ना भूलें अगर सिलेक्शन लेना है। सपना जेब खाली थी, यानी जेब खाली थी, सिर पे कर्ज था, सपना किसका था, वर्दी का था। भाई इस बार तुम्हें वर्दी पहनना है, इस बार तुम्हें वर्दी पहनना है। एसके ग्रुप के साथ जुड़ जाइए स्पेशल मैथ पढ़ने के लिए। अगर स्पेशल मैथ पढ़ना है, परीक्षा फाइट करना है, एसके ग्रुप के साथ जुड़ना ना भूले। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे देखिए भाई, सवाल नंबर क्या कह रहा है, रोड में ना हो, फिर प्लस रोड में ना हो, फिर प्लस रोड में ना हो, डॉट डॉट इंपॉर्टेंट। क्या करना है भाई, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। एसके ग्रुप के साथ अगर आप लोगों ने जुड़ा है, मजाक मजाक में हल कर लेंगे। अगर आप लोगों ने एसके ग्रुप के साथ जुड़ा है, सारे सवाल को मजाक मजाक में हल कर लेंगे। अगर भाई आप लोगों ने नहीं समझा, अगर एसके ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा भाई, तो परीक्षा में आपको क्या मौत के घाट उतारेगा। क्या करना है, यही प्रश्न यही क्वेश्चन परीक्षा में आपको मौत के घाट उतारेगा। आप लोग एसके ग्रुप का वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रोड में ना है, रोड में ना है, रोड में ना है, अगर इसे भाई तोड़ने तीन तरीका नौ सेम आ रहा है ना, हमें क्या करना है। जब खंड नहीं होगा भाई, हमें क्या करना है, फार्मूला आपको अभी यही बताया है ना, 4a + 1 कोष्टक बंद कर लीजिए, फिर लास्ट में 1 नीचे कितना है 2, यहाँ पे 4 है भाई, 4 का यहाँ पे जो यही संख्या है, इसी संख्या को क्या मानना है भाई, ये मानना है, एक स्थान में क्या उतारना है 9, फिर प्लस 1 लास्ट में कितना 1 नीचे 2। अब यहाँ पे देखिए भाई, रूट फिर बनाना है, यानी 9 चौक 36 + 1 लास्ट में प्लस 1 है 1 नीचे कितना 2, 36 से कितना हो गया रोड में 37 प्लस 1/2 भाई आपका यही आंसर हो गया। मैं भाई आपको फिर एक बार समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे रूट ना हो, फिर रूट ना हो, रूट ना हो प्लस डॉट डॉट, क्या करना है, सरल करना है। फार्मूला जब इसका खंड नहीं होगा, फार्मूला क्या होगा भाई, रूट में 4a + 1 फिर प्लस 1/2 रूट पहले उतारा 4 है, 4 उतारा यहाँ पे ए को कितना माना है 9, प्लस है प्लस 1 है तो लास्ट में कितना है प्लस 1, चार में भाई 36 प्लस 1 फिर लास्ट में प्लस 1, ये भाई रूट के अंदर है, इसे जोड़ लेना है, 36 से कितना हो गया 37 हो गया, 36 से कितना हो गया 37 प्लस 1 है तो नीचे कितना है 2। भाई बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। सारे सवाल यहाँ पे भाई देखिए, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे कितना है, रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 फिर प्लस रूट में 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी अनंत है, यानी सरल करना है। क्या करना है भाई, सरल करना है। अगर यहाँ पे देखिए, जब इसे तोड़ेंगे कितना होगा भाई, 4 तिहाई 12 कितना होता है 4 तिहाई 12, यानी हमें दो खंड ऐसा लेना है भाई जिनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पहले आपको भाई मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, आप लोग बेसिक देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ कैसे लगेगा। बेसिक एक बार आप लोग समझ लीजिए, बेसिक कैसे लगता है, ट्रिक कैसे लगता है। हमें परीक्षा हाल में ट्रिक को लगाना है, टाइम को बचाना है, उस माँ बाप के लक्ष्य को पूरा करना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या उतारा, x बराबर रूट में 12 प्लस, जो भाई बार बार लिख नहीं सकते, तो हम क्या मान लिया भाई x, यानी x बराबर पहले मानना है, रूट में 12 है, 12 उतार लीजिए, ये बार बार लिखा है ना भाई, यानी जब ये बार बार लिखा है, इसे आप x मान लीजिए, कितना मानना है x। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, रूट में 12 प्लस x आ गया। अब इधर देखिए भाई, दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है। इधर क्या लगा है भाई, वर्गमूल, क्या लगा है इधर, वर्गमूल का चिन्ह लगा है, नहीं वर्गमूल है, यानी रूट में है। इधर देखिए, जब यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिख लीजिए दोनों पक्षों
का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए भाई, 12 प्लस x घात 2, इसका x का होल स्क्वायर x ही होगा, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर। इधर देखिए ये रूट के अंदर है भाई, बाहर हो जाएगा 12 प्लस कितना है x, ये भाई प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर कितना आ गया भाई जीरो। जब बराबर में कुन्ने कितना आएगा जीरो। अब हमें दो संख्या ऐसा लेना है गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, यानी हमें क्या करना है, 4 किया है 12, 4 में से 3 ये कितना होता है भाई 1x, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर जीरो। अभी ये दोनों में कॉमन क्या भाई, इस दोनों में कॉमन क्या है, अब देखिए यहाँ पे x का दोनों तरफ है, यानी दोनों के साथ x लगा है, x कॉमन कर लिया है, x से जब x कैंसिल, यहाँ पे 1x बचा माइनस x से x कितना बचा 4 पी प्लस, यहाँ पे देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, हमने 3 कॉमन किया, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे x बचा, फिर यहाँ पे कितना है माइनस है माइनस 3 चौक 12 बराबर जीरो। दोनों दो बार है, एक बार लिखना है x माइनस 4 और यहाँ पे 3 है x प्लस 3। इधर देखिए इसका नंबर आया x माइनस 4 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया 4, इसका नंबर आया x प्लस 3 बराबर जीरो, x बराबर कितना आ गया माइनस 3। हमें भाई माइनस वाला आंसर नहीं लेना है, हमें प्लस वाला आंसर लेना है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको भाई यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से कितनी जल्दी आंसर आएगा। इधर देखिए भाई रूट में 12 है, यही है ना, रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस डॉट कहाँ तक है, इनफाइनाइट एरिया परिभाषित अनंत तक है। अब यहाँ पे देखिए इसका हमें दो खंड ऐसा लेना है, यानी गुणा करने पर 12 आए और इनके बीच का अंतर एक, यानी इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए एक होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे लिखा 4 तिहाई 12 कितना आ गया 4 तिहाई 12, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा भाई हमें बड़ा वाला आंसर लेना है, अगर यहीं पे माइनस आ जाएगा, अगर यहीं पे माइनस आ जाएगा हमें तब ये छोटा वाला आंसर लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हमें क्या करना है बड़ा वाला आंसर लिखना है। इसका आंसर कितना आ गया भाई 4 आ गया, देखिए इससे भी 4 आया है, इससे भी 4 आया है, मैं बगल हो जा रहा हूँ। आप लोग एसके ग्रुप का सवाल जो ट्रिकी है भाई आप लोग उतारना ना भूले। एसके ग्रुप का वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब। यहाँ पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, रूट में 20 है माइनस रूट में 20 है, फिर माइनस कितना रूट में 20 डॉट डॉट कहाँ तक है भाई, इनफाइनाइट यानी अनंत तक है। हमने क्या बताया इसका दो खंड ऐसा लेना है गुणा करने पर 20 आए और इनके बीच का अंतर एक होना चाहिए, यानी इनके बीच सी इनके बीच का एचसीएफ कितना होना चाहिए एक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कितना होता है, एक तो हमारा होता है 10 दुनिया 20, एक कितना होता है 10 दुनिया 20, एक तो होता है 5 और 20, हमें देखिए 10 दुनिया 20, मगर इसके बीच का एचसीएफ कितना आएगा 10 से आएगा ना, और अगर इनके बीच का एचसीएफ लेंगे कितना आएगा एक आएगा, हमें वही संख्या लेना है गुणा करने पर 20 आए और इनके बीच का एचसीएफ एक हो या अंतर एक हो। अब यहाँ पे देखिए अगर 5 और 4 कितना होता है भाई 20 होता है, कितना होता है 5 और 20, इधर देखिए इनके बीच का इनका एचसीएफ कितना होगा एक ही होगा ना, और इनके देखिए इनके बीच का अंतर एक ही होगा। तो हमने क्या बताया है अगर यहाँ पे प्लस होता तब क्या करते 5 आंसर ले लेते, मगर प्रश्न में क्या है भैया माइनस है, क्या है माइनस है, तो हम क्या करेंगे छोटा वाला आंसर लेंगे, क्या करना है छोटा वाला आंसर लेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है भाई, चुटकियों में आंसर आ रहा है, कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को, क्या है कॉपी कलम लेकर तैयार रहेंगे हमेशा भाई, आप लोग ट्रिकी पढ़ना है। यहाँ पे देखिए भाई सवाल नंबर क्या है, रमेश अपनी 80% राशि, रमेश अपनी 80% राशि पहली बाजी में, शेष की 80% दूसरी बाजी में, और शेष की 80% तीसरी बाजी में हार गया। त
तथा एक रुपया घर लेकर पहुंचा। यानी क्या कह रहा है, एक रुपये घर लेकर पहुंचा। पहली पारी में यानी पहली बाजी में 80 रुपए, फिर दूसरी बाजी में 80 रुपए, फिर शेष 80% तीसरी बाजी में हार गया तथा वहां 1 रुपए लेकर घर पहुंचा। कितना? 1 रुपए लेकर घर पहुंचा। उसका मतलब है उसकी उसका मतलब है सवाल क्या कह रहा है, यानी उसकी आय क्या थी, उसकी आय क्या थी कि वो 1 रुपए घर लेकर पहुंचा बस। यानी क्या एक ही यानी जो कमा रहा है 1 रुपए सिर्फ बचा रहा है, क्या है पूरी बाजी में पूरा पैसा हार गया, सिर्फ कितना बचा रहा है 1 रुपए बचा रहे ना भाई, कितना बचा रहा है 1 रुपए बचा रहा है। तब इसकी हमें क्या ज्ञात करना है भाई, आय ज्ञात करना है। क्या ज्ञान करना है हमें, आय ज्ञान करना है। जब वो सारे पैसे बाजी में हार गया, सिर्फ उसके पास कितना बच रहा है 1 रुपए बच रहा है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पे फार्मूला, बचत बराबर क्या करना है, बचत बराबर आय, बचत बराबर आय गुणते 100 माइनस 100 बटे 100, फिर गुणते 100 माइनस y बटे 100, फिर गुणते 100 माइनस z बटे कितना 100। डॉट डॉट इसके आगे भाई बढ़ता चला जा रहा है। अब वो क्या कह रहा है, 1 रुपए घर लेकर जा रहा है ना, वही 1 रुपए तो बचा रहा है ना भाई, सारे पैसे बाजी में हार गया, कितना रुपए घर लेकर जा रहा है बचाकर, 1 ही रुपए तो घर बचा कर ले जा रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बराबर, आय नहीं पता है, आय ही करना है। अब आप यहाँ से भाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 80% शेष का, जब भी कहेगा जब भी शेष का 80% वो क्या है हार जा रहा है ना 100 में, ये भाई हमारा क्या है 100% में जब 80% बाजी हार जा रहा है, कितना परसेंट बचा 20, हमने यहाँ पे कितना लिखा 20 बटे 100, फिर दूसरी बाजी पारी में फिर 80% हार जा रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 20 बटे 100, फिर गुणते कितना 20 बटे 100, तीनों बार 20 यानी 80% हार जा रहा है, कितना बच रहा है 20% बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 उतारा यानी 1 2 3 1 0 2 0 3 0 पूरा खत्म। अब यहाँ पे देखिए आय यहाँ पे कितना बचा, आय गुणते 2 2 2 4 2 8 नीचे 10 में 100 से गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा, 8 1 9 8 यानी 25 8 कितना होता है 1000, कितना होता है 25 8 1000। यहाँ पे कितना बचा भाई, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 8 अगर आप नहीं आ रहे भाग दे लीजिए भाई यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कितना बचा है 3 यानी 4 0 बचेगा, कितना 0 बचेगा भाई 4 0। अब यहाँ से देखिए 1 1 0 फिर 1 0 से 1 0 2 0 हो गया, फिर 1 0 से 3 0 खत्म। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 2 2 4 2 8 1000 में जब 8 से भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना है 5 4 8 1 9 8 8 1 9 8 बचा कितना 2, फिर यहाँ पे कितना बचा 0, 8 2 16 फिर कितना बचा 4, कितना बचा 4, फिर यहाँ पे क्या बढ़ाया 0 आया, यानी कितना 5 यानी 8 5 40 कितना आ रहा है 125, कितना आ रहा है 125। आय बराबर कितना हो जाएगा 125 1 9 125 रुपए, यानी क्या है 125 रुपए वो कमा रहा है, यानी उसकी आय क्या है 125 रुपए। 125 रुपए में पूरा 124 रुपए हार जा रहा है, सिर्फ 1 रुपए घर लेकर जा रहा है, यानी 1 रुपए बचा कर घर ले जा रहा है। भाई मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, सारे सवाल इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए भाई सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, अफजल अपने कुल वेतन का, अफजल अपने कुल वेतन का 20% घर किराए पर
और शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। यदि उनकी बचत 1800 रुपए है तो उसका वेतन ज्ञात करना है। वो भाई पूरे कमाई से, उन्होंने पूरे कमाई से 1800 रुपए बचा रहा है। कितना बचा रहा है? 1800 रुपए बचा रहा है, तो उसका वेतन क्या है, उसका आय क्या है, समय 1800 रुपए बचा कैसे है। अब यहाँ पे देखिए, हमने बताया आपको फार्मूला, जब भी बचत और आय वाला होगा, जब भी बचत और आय पर आधारित प्रश्न होगा, हमें यही फार्मूला लगाना है, बचत बराबर आय। क्या लगाना है? बचत बराबर आय 100 माइनस एक्स बटे कितना, 100 गुणते 100 माइनस वाई बटे 100 गुणते डॉट डॉट। इसके आगे और आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बचत है ना, बचत कितना बचा रहा है पूरे कमाई से, 1800 रुपए। बचत के स्थान पे कितना आ जाएगा, 1800 रुपए। आय नहीं पता है भाई, ये तो पूछा है उसका वेतन क्या कीजिए, यानी उसका आय ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए 120, अब इधर देखिए भाई, इस क्या कह रहा है, शेष का पूछा है ना, 20% क्या कह रहा है, घर किराए पर खर्च कर रहा है, 20% जब घर किराए पर खर्च कर रहा है, यहाँ पे कितना बचेगा, 80। कितना बचेगा, 80, 100 में 20 घटा दिया कितना आ गया, 80। नीचे 100 फिर अगला 70% घरेलू खर्च पर है, यानी घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। 70 में यानी 100 में 30 घटा दे, 100 में 70 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 30 बटे 100। फिर आगे अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, तो उसका यदि उसकी बचत 1800 रुपए, इधर देखिए पहले एक 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, 1800 बराबर आय। कितना बचा, आय गुणते यहाँ पे कितना, 4/5, 3/10 कट रहा है, 3 × 6 = 18, 600 बचा, 4 × 9 = 4, 15 × 4 = 60, यानी 150 बचा यहाँ पे, 150 बराबर आय। नीचे अब क्या बचा है, 10/50, नीचे क्रास गुणा आय 1/9 आय बराबर 15/75, 7500 रुपए। वो क्या है, 7500 रुपए कमा रहा है। क्या कह रहा है, 7500 रुपए कमा रहा है और क्या, 1800 रुपए बचा रहा है। यही पूछा है, 1800 रुपए बचा रहा है कैसे, जब वो 7500 रुपए कमाएगा, यानी 7500 रुपए कमाएगा तो कितना बचा रहा है, 1800 रुपए बचा रहा है। जब भी आय और बचत पर आधारित प्रश्न होगा, यहाँ पे यही फार्मूला लगाना है, बचत बराबर आय गुणते 100 - x/100 गुणते 100 - y/100 गुणते डॉट डॉट। इसके आगे भी और लिख सकते हैं, जैसे और दिया होता 40% छूट, 50% छूट, तो हम वैसे बढ़ा लेते। बचत का मान दिया 1800, आय यही उतारना है। क्या किया भाई, सिर्फ काट दिया है, यानी जब काटा तो आय बराबर कितना आया है, 75। वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, बेल वाली आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप लोग शानदार रहिएगा, मस्त रहे, जिंदाबाद रहे, जबरदस्त रहे। अगले एपिसोड में कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा है, जब यहाँ पे हमने ये भाई क्रास गुणा किया है, आय 1/9 कितना हो जाएगा, आय बराबर 15/5, 75, 10 यहाँ भाई, 10 यहाँ, क्या करना है, 7500 रुपए हो जाएगा। आय बराबर कितना हो जाएगा, 7500 रुपए। कितना होगा, 7500 रुपए। उसका वेतन कितना होगा, 7500 रुपए।